हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनाली है। मैं अपनी चाची की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे चाची के पहले दो यानी कि एक बेटा और एक बेटी, दो बच्चे थे। और फिर उनका जो तीसरा बच्चा हुआ वो उनसे काफ़ी लेट में हुआ, यानी कि उनके छोटे जो बेटा था उससे भी 10 साल का छोटा था उनका तीसरा वाला। और चाचा चाची बहुत खुश थे कि इतने दिन बाद फिर से एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा उनके घर आया था। हम सब गए देखे, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे चाची के पड़ोस में एक औरत रहा करती थी, वो भी अपने दोनों बच्चे पति के साथ रहती थी। लेकिन जब से मेरे चाची की वो बेटा तीसरा बेटा हुआ था, वो हमेशा उनके ही बच्चों को चिढ़ाने के लिए बोलती थी कि मैं तेरे भाई को चुरा कर ले जाऊँगी। इस तरह हमेशा कहती थी और कहती थी मैं अपने साथ लेकर चली जाऊँगी। ये क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सब मुझे नहीं मालूम। बट मैं जो मुझे लगा कि ये भी एक हॉरर टाइप का है, इसीलिए मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो जो लेडी थी उनका तबीयत कुछ बिगड़ गया और उसे हॉस्पिटल में ले गए, तो हॉस्पिटल में पता चला कि वो डेथ हो चुकी हैं। और फिर इसके बाद मेरी चाची को हमेशा दिखने लगी। मेरी चाची अपने बेटे को गोद में लेके बैठी रहती थी, कुछ उसे दूध पिलाती या कुछ करती, वो हमेशा सामने आ जाया करती और कहती अपना बच्चा मुझे दे दे। ऐसे करते करते करीब करीब 2 हफ्ते चले गए। मेरी चाची को सपने में भी आती थी और कहती थी अपना बच्चा मुझे दे दे, ये मेरा बच्चा है। चाची को कुछ समझ में नहीं आता था कि वो ऐसे क्यों कर रही है। बहुत पूजा पाठ वगैरह किया करती थी चाची, लेकिन फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ती थी। कभी भी वक्त बेवक्त वो आ जाती थी, यानी कि दोपहर के समय में उनके हस्बैंड, उनके दोनों बच्चे बाहर होते थे, वो दोनों स्कूल में और उनके हस्बैंड ऑफिस में, तब भी वो आ जाती थी। चाची ऐसे और सहन नहीं कर पाई। फिर उन्होंने एक पंडित जी से अपना कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा, तो पंडित जी ने कहा ये घर आपका अपना है, तो चाची बोली हाँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, मैं आपके बच्चे को तो कुछ झाड़ फूँक तो कर ही दे रहा हूँ और फिर उसको एक तावीज़ वगैरह दे रहा हूँ, तुम उस रोज़ जितना दिन इस घर में हो रोज़ आंगन में एक घी का दिया जलाना। और उन्होंने कुछ इलायची वगैरह उनको फूँक के दे दिया, वो तुम्हारे घर में कभी किसी कीमत में प्रवेश नहीं कर पाएगी और उसे तुम्हारे घर से बिल्कुल दूसरे मतलब अपने घर में उमड़ जाएगी और फिर तुम्हारे बच्चे को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तुम्हारे बच्चे का कुंडली में देख चुका हूँ, उसका आयु अच्छा है। चाची बिल्कुल निश्चिंत हो गई कि वाकई में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन फिर अचानक से उनका छोटा बेटा का बहुत तबीयत ख़राब हो गया और डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि उसको हुआ क्या था। वो ना ही कुछ खा पी रहा था, यानी कि तब दूध पीता था, 6 महीने का बच्चा हुआ था, लेकिन बाहर का भी कुछ कुछ खाना खाने लगा था, तो वो कुछ नहीं खाता था, बस रोए जाता था और एकदम अपने सर को हिलाते रहता था। फिर धीरे धीरे उसका जैसे शक्ल भी कुछ बदलने लगी। वो बहुत गोरा पैदा हुआ था, बहुत सुंदर था, लेकिन उसके बाद से वो काला पड़ने लगा। बहुत डॉक्टर्स दिखाए लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर उस पंडित जी के पास गए तो पंडित जी ने देखा और कहा कि डॉक्टर सब हार मान गए हैं, तुम एक काम करो, वो घर जल्दी से जल्दी छोड़ दो और तुम्हारे बेटे को उस घर में दोबारा मत ले जाओ। पंडित जी के पास आते ही 3 दिन जब वो लोग रुके थे उनके आश्रम में, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। दोबारा उस घर में चाचा ने चाची को और उनके बच्चों को प्रवेश नहीं कराया। उनका अपना घर होने के बावजूद वहाँ से सारे सामान लेके वो लोग किराए के घर में शिफ्ट हो गए हैं। उसके बाद से उनके बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और चाची को भी एक मादुली यानी कि ताबीज़ पहना दिया गया था। चाची को भी वो औरत दोबारा सपने में नहीं दिखी। उनका अपना घर अभी भी खाली पड़ा हुआ है, ना ही रेंट में लगता है और ना ही वो घर में चाचा चाची रह पाते हैं।